नमस्कार दोस्तों, ये एक और केस आज आपको देखने को मिलेगा कि भैंसें पूरी लेटी हुई है और सांसें बहुत कम ले पा रही है। जब हमने मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको 15 किलो चावल, उबले हुए चावल खिलाए हैं, जो शादी में बच गए थे वो चावल इसको खिला दिए हैं। यहाँ से ये भैंस जिएगी या मरेगी, ये जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, ये भैंस ने सुबह से गोबर नहीं किया हुआ है। हमने टेम्परेचर लिया तो मालूम पड़ा कि टेम्परेचर सब नॉर्मल था, 100 डिग्री फैरनहाइट उसका टेम्परेचर था। बहुत कम सांसें ले पा रही थी, सुबह से गोबर नहीं किया था, उसको कॉन्स्टिपेशन था, यूरिनेशन भी उसका बहुत कम हुआ था सुबह से। तो इसकी ट्रीटमेंट हमने की है। क्या ट्रीटमेंट की है, क्या रिज़ल्ट आया है, कैसे ये जानवर बचाया है, खड़ा हो गया है, ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। कि ट्रीटमेंट के बाद का वीडियो है कि ट्रीटमेंट के बाद ये जानवर बैठ गया है लेकिन अभी खड़ा नहीं हुआ है। तो दूसरे दिन के ट्रीटमेंट के बाद देखिए, ये जानवर अपने आप से सब कुछ खाने लगा है। अब इसको ट्रीटमेंट में हमने क्या दिया है ये हम आगे बताएंगे। देखिए, जानवर खाने लगा है। इसको हमने ट्रीटमेंट में 5 लीटर नॉर्मल सलाइन, 50 ml सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन इंट्रावेनस दिए है, इंजेक्शन CPM 25 ml दिया है, उसको पाउडर मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन कॉन्सीप्लेक्स और लिक्विड कोआलेल 50 ml 2 दिन से दिया है, और उसके बाद ये जानवर दूसरे दिन खाने लगा है। तो अगर आपसे भी ऐसी गलती हो जाए और कभी आप अपने जानवर को शादी का बचा हुआ चावल खिला दे तो ध्यान रखें कि पहले खिलाए ही मत, अगर खिला दे तो जल्दी से आपके नज़दीक के वेटनरी डॉक्टर का संपर्क करें और उसकी ट्रीटमेंट करवाए ताकि आपका जानवर बच पाए। ये वीडियो का मकसद यही था कि आपको पता चले कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।